बच्चों आगे है सिंहा, सिंहा क्या होता है, शेर होता है, तो ये तो पुल्लिंग है, तो और ये पुल्लिंग का बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। फिर है सरिता, सरिता क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर है कपोतहा, कपोता कबूतर होता है, तो ये भी कपोते का बहुवचन है, तो इसमें विसर्ग लगे हुए हैं, आ विसर्ग हैं, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। फिर है नायके, नायके नायिका का द्विवचन रूप है और ये स्त्रीलिंग है। फिर है काकह, काकह शब्द के साथ ही विसर्ग हैं और ये पुल्लिंग का एक वचन है। बच्चों अब आगे हमें दिए गए हैं शब्द, दिए गए हैं जिन्हें हमें वचनों के अनुसार अलग अलग स्तंभों में लिखने हैं। हमें यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप दिए गए हैं। अब हम इन्हें अलग अलग स्तंभों में लिखेंगे। पहले है चटका, चटकहा बहुवचन, ये चटका का बहुवचन रूप है, तो यहाँ बहुवचन में आएगा। फिर है अजा, अजा एक वचन है, तो ये एक वचन में आएगा। फिर है पाठशाले, पाठशाला, पाठशाले पाठशाला, हा तो ये पाठशाला का द्विवचन है, तो ये द्विवचन में आएगा। फिर है गौशाला, हा ये और विसर्ग है इसमें, तो ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो ये बहुवचन में आएगा। फिर है मक्षिके, ए है, ए की मात्रा है, मक्षिका मक्षिके मक्षिका, हा तो कौन सा वचन हुआ, द्विवचन, तो ये द्विवचन में आएगा। फिर है यमुना, यमुना सिर्फ नाम दिया गया है, इसको द्विवचन बहुवचन रूप में नहीं लिखा है, तो ये एक वचन में है। सेविके, ए की मात्रा है, ध्यान दीजिए ए की मात्रा है, तो ये द्विवचन में आएगा। फिर है चटका, चटका कहाँ जाएगा, एक वचन में। नायके, ए की मात्रा है, द्विवचन में। नौकाहा, नौका का नौकाहा, तो और विसर्ग हैं, तो किसमें है, ये बहुवचन में आएगा। बच्चों अब है उचित मिलान करो, हमें पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। प्रिय प्रिया, सेवक सेविका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, अनुज किससे मैच होगा, अनुजा, शिष्य शिष्या। अब हमें आगे लिंग परिवर्तन करना है। गायक गायक है, स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका। छात्र है छात्रा, वृद्ध है वृद्धा। मुष्क है मुषिका, नायक है नायिका, शिक्षक है शिक्षिका।